नमस्ते जी, मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी गहरी बातों को समझाऊंगा जिसकी वजह से आपके जीवन में नेगेटिविटी आती है, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके आसपास नेगेटिविटी अपने आप बढ़ती है बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता अपने आप बढ़ने लगती है। जैसे हम अपने घर में जब आते हैं, शर्ट उतारते हैं और यूं ही छोड़ देते हैं कहीं पर भी। हम रुमाल हैं, हमने यूज़ किया, यूं ही डाल दिया। कोई तौलिया यूज़ किया, कहीं और फेंक दिया। मोज़े, जूते के मोज़े सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी का कारण। जब भी हम जूते उतारते हैं, मोज़े को यूं ही घुसा देते हैं जूते पे। जूते को रखने का तरीका प्रॉपर उठा के ऐसे रखना चाहिए या किसी ज़मीन पे ही इस तरह से रखना चाहिए? निकल नहीं, वो कभी ऐसे पड़ा रहेगा, कभी वैसे पड़ा रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचता है। और उसके बाद सोचो, जब आप उसे पहनेंगे तो क्या होगा? जिस काम में जाएंगे कैसे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी? एक शर्ट, एक कपड़ा, आप एक प्रयोग करके देखिए। एक शर्ट, धुला हुआ शर्ट लीजिए, निकालिए कालमारी से, उसे इस तरह से ऊपर नीचे खींचिए और रख दीजिए सोफे पे या कहीं पर भी। कुछ घंटों बाद आप उसे पहन के देखिए, आपकी ऊर्जा बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, आपकी फीलिंग बिल्कुल अलग होगी। आप बिल्कुल डाउन, एकदम उतरा हुआ फील करेंगे। बिल्कुल इसी के अपोजिट उसे ही प्रेस कर दीजिए, उसे जमा कर रख दीजिए। आधे घंटे, एक घंटे के बाद पहन के देखिए, आपकी ऊर्जा एकदम हाई होगी, आप हाई फ्रिक्वेंसी में होंगे, आपका हर काम सही तरीके से होने लगेगा। क्योंकि आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। सिंपल सी बात यह है कि यही वास्तु है चीज़ों को उसकी सही जगह पे, उसकी भौतिक अवस्था पे रखने का। उसकी वास्तविक भौतिक अवस्था में रखना ही वास्तु है। मतलब कि आपने ये भी देखा होगा कि वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, जब आते हैं जगहों को सही करते हैं, चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखवाते हैं, जो चीज़ गलत जगह पे गलत तरीके से रखी है उनको वापस से सही करते हैं, जिससे पॉजिटिविटी आती है। घर के अंदर मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है, अच्छे अफर्मेशन, अच्छे थॉट्स लाए जाते हैं, क्योंकि ताकि नेगेटिविटी बाहर जा सके। तो जब भी आप किसी चीज़ को व्यवस्थित करेंगे, चाहे फिर वो आपके थॉट्स हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे आपके रहन सहन हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपके जूठे बर्तन हो, चाहे आपका किचन हो, पॉजिटिविटी अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएगी। और इसके अपोजिट अगर सबको आप अस्त व्यस्त रखेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएगी। घर में जाले, छत पे जाले लगे हुए हैं, कॉर्नर में धूल जमा हुआ है, ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, तो इससे ज़रूर बचें। एक और बात, जब भी आपका मन भारी होता है तो आप मंदिर जाते हैं तो आपको अच्छा क्यों लगता है, आपको आराम क्यों लगता है? क्योंकि मंदिर का वास्तु ही कुछ ऐसा होता है। आप अपने घर पर देखिए क्या होता है, चार दीवारें होती हैं और एक छत होता है। तो छत का जो भौतिक पैमाना है वो कुछ ऐसा है कि उसकी ग्रेविटिविटी आपके सर पर पूरी तरह से हावी है। मतलब सर अगर दीवार निकल जाए तो छत तो सीधा नीचे ही गिरेगा ना, तो वो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो छत की ग्रेविटी और आप ज़मीन की ग्रेविटी और छत के बीच में आप हो, तो वो प्रेशर हमेशा आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर पड़ रहा होता है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ कैसा होता है, पिरामिड शेप का होता है, छत नहीं होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह आप देखेंगे उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जो ग्रेविटी है वो इस तरह से घूम घूम के आपस में ही डाइवर्ट हो जाती है। तो आपके सर पे सीधा प्रेशर नहीं पड़ता है, इसलिए आपको तुरंत शांति मिलती है, तुरंत आपको ध्यान लगाने में आसानी होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मंदिर नहीं भी जाते हैं, अगर आप नास्तिक हैं तो भी, अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हैं तो खुली हवा में बाहर निकल जाइए, ताज़ी हवा में बाहर निकल जाइए, किसी गार्डन में, किसी पार्क में जाके थोड़ी देर बैठिए, खेलिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, सांसों पे ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं तो लेट जाइए। और थोड़ी देर बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं। तो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई झगड़े की सिचुएशंस आए, कोई बहस वाली हालत आए, अगर कुछ भी आपके आसपास में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई कलेश चल रहा है, तो चुपचाप वहाँ से निकलिए, अपने मन को मंदिर या किसी खुले जगह पे जाके शांत करके आइए और उसके बाद उस पर फैसला लीजिए। इस तरह की हालत में कभी भी कोई फैसला ना लें, यही आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। और यही मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको कि खुद पे काबू पाना ही, खुद पे कंट्रोल पाना ही एक हीलर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं मानता हूँ कि लाइफ में आपको कभी बहुत ज़्यादा खुशी आएंगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, उस टाइम के लिए आपने रिएक्ट कर दिया, उस टाइम में आपने कोई ऐसा नुकसान भी कर दिया जो नहीं करना चाहिए, जिसका आपको अफसोस भी है, लेकिन आप ये सोचिए
अपना या अपनों का नुकसान करने से अच्छा चीज़ों का ही नुकसान कर दिया आपने, तो अपने आप को माफ़ कीजिए और अगली बार ये नहीं करने के बारे में क्या कर सकते हैं उसे सोचिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उसे करने के लिए आपको बस बार बार अपने आप के साथ ये प्रैक्टिकल प्रयास करना है। मंदिर या गार्डन जाइए और अपने आप को शांत करिए। दूसरा, घर में जितने भी कपड़े हैं, जूते हैं, बर्तन हैं, उसे व्यवस्थित तरीके से रखिए। आपके जो भी सामान है, अपने अपनी किताबें हैं, उसे व्यवस्थित तरीके से रखिए। सोचिए जिन किताबों को आप पढ़ते हैं, जिनसे आप ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे आप अव्यवस्थित तौर पर ऐसे ही फेंकेंगे तो उसमें तो नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, फिर वो कैसे आपको ज्ञान देगा, कैसे आपको सकारात्मक बना कर रखेगा। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा। आने वाले वीडियो पे और कुछ हीलिंग के बारे में नई बातों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।